दोस्तों सब्सक्राइब करो योर क्लास को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप देख सके टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपकी क्लास से और क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हाइक ने व्हाट्सएप को हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि हाँ, हाइक जो कि एक मैसेजिंग ऐप है और सबसे बड़ी बात कि वो इंडिया का अपना ऑफिशियल ऐप है, यानी इंडिया का ऐप है, तो बात करें तो अगर उसने जो है व्हाट्सएप को हरा दिया है और किस बात में हराया, मैं वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि जो व्हाट्सएप है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और ख़ास करके इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। चाहे कोई भी बंदा कितना भी छोटा मोबाइल हो, अगर स्क्रीन टच है तो उसके पास वो व्हाट्सएप जरूर चलाता होगा, हाइक चलाए ना चलाए। लेकिन पहली बार हाइक ने, यानी कहने का मतलब है कि व्हाट्सएप के यूज़र बहुत ज़्यादा है, तभी फेसबुक ने उसे ख़रीद भी लिया और हाइक के यूज़र्स कम है। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों इस बार हाइक ने व्हाट्सएप को हरा दिया है। और कैसे, अब बात करते हैं हाइक जो है उसका बहुत दिनों से सपना, तो पिछले 6 महीनों से कोशिश कर रहा था कि वो अपना एक वैलेट लॉन्च कर, जैसे पेटीएम वैलेट होता है, आप वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मोबाइल बिल पे कर सकते हैं और बिजली का बिल पे कर सकते हैं, इस टाइप से आप जब बिल पे कर सकते हैं या मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये सारा। और अब हाइक ने इस ऐप को लॉन्च भी कर दिया है। अब आप हाइक का जो ऑफिशियल ऐप है आप उसी में जाकर किसी भी बंदे को अपना पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके इसके लिए उसके पास अकाउंट हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे पैसे उसके हाइक वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ये इन्होंने यस बैंक के साथ किया है, आपको पता होगा यस बैंक जो है उसके साथ इन्होंने किया है कोलैबोरेशन और इसी की वजह से ये जो है अब मोबाइल वैलेट आ रहा है। व्हाट्सएप की भी दोस्तों यही बहुत तमन्ना थी बहुत दिनों से, वो भी कोशिश कर रहा था कि वो एक अपना खुद का वैलेट लॉन्च करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उससे पहले ही हाइक ने इसे लॉन्च कर दिया है। सो दोस्तों अभी अगर हम बात करें तो जो हाइक का सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.0 और उसका मैं बीटा टेस्टर हूँ, तो उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि हाइक ने व्हाट्सएप को कैसे हराया, तो यही एक रीज़न था कि हाइक ने व्हाट्सएप को हरा दिया, क्योंकि व्हाट्सएप के बहुत दिनों से ही तमन्ना थी वैलेट को लॉन्च करने की, लेकिन वो उसे लॉन्च नहीं कर पाया, उससे पहले ही हाइक ने उसे लॉन्च कर दिया है। सो दोस्तों अगर हम हाइक के 5.0 मैसेंजर ऐप में जो जो फीचर्स आए हैं उसके बारे में अगर मैं आपको एक झलक दिखा दूँ उसकी, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो ये रहा दोस्तों हाइक, और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग है, देखिए दोस्तों ये रहा हाइक। यहाँ पर अभी देखिए इस टाइम पर ये जो चैट का कलर है, चैट की जो थीम है वो अभी यहाँ पर वाइट कलर की है। यही अगर आप जो है रात के टाइम चलाते, मैंने इसे रात के टाइम पर अपडेट किया था, यानी करीबन 10:30 बज रहे थे उस टाइम पे, ये जो पूरी थीम थी वो ब्लैक कलर की थी जिसे नाइट थीम कहा जाता है। और ये इसका बहुत बेहतर फीचर है कि ये जो थीम है वो अपने आप ही अपडेट कर लेता है टाइम के हिसाब से, यानी अगर रात का टाइम हो रहा है यानी 10 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं यानी 7 बजे के बाद, तो ब्लैक थीम कर देगा और सुबह उठती है वाइट थीम कर देगा, इस टाइप से कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्होंने फीचर्स दिए हैं। यहाँ पर टाइमलाइन में जाकर आप जो है अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ कैमरे से आप जो है सिंपली आप कैमरे में, इस बार इन्होंने मैजिकल फेस दिया है कि आप वहाँ पे जैसे आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप जब सेल्फी लेते हैं तो वो आपके सर पे टोपी लगा देता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं और अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं बिना किसी दूसरे ऐप के। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे और फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप अपने जाके फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, और इन्होंने इस बार ग्रुप को भी बढ़ा दिया है, आप बहुत सारे ग्रुप बनाकर उसमें बहुत सारे मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं। स्टिकर्स की बात करें तो स्टिकर जो है वो हाइक का बहुत ही फेमस चीज़ है जिसकी वजह से हाइक जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो पहले क्या होता था कि अगर हम स्टिकर को, अगर हाइक को अनइंस्टॉल कर देते तो स्टिकर हट जाता था, या हाइक के डेटा को क्लियर कर दें तो जो स्टिकर थे वो हट जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अगर आप हाइक के डेटा को क्लियर भी करते हो दोबारा से हाइक इंस्टॉल करते हो तो सारे स्टिकर्स बिना डाउनलोड किए वो वापस आ जाएंगे। इसके बाद अगर हाइक के सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर हाइक ने इस बार बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज निकाली है, ये सब हाइक की डेली क्रिकेट न्यूज़ ये सब तो आपको पता ही होगा। इस बार मैंने जो है बहुत सारे मैच हॉटस्टार पर देखे, आप सबको पता होगा हॉटस्टार एक ऐप है, लेकिन अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो तो हम भी देख लेते हैं, लेकिन इस बार जो मैंने सारे मैच देखे थे वो हॉटस्टार की मदद से, लेकिन उससे पहले हाइक की मदद से देखे थे, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ।
जब हम क्रिकेट के यहाँ ऑप्शंस में जाते हैं तो ये दिखाता है, ये देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर जब कोई भी मैच चल रहा होता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाइव वॉच, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली हॉटस्टार से, यानी कहने का मतलब हाइक ने अपने आप को हॉटस्टार से कनेक्ट करवा रखा है ताकि आप वहां से जाके सीधा मैच को देख सकते हैं। ये हाइक रन एक नया ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पर जाकर इस फोन को अपने हाथ में रख के आप जितने कदम चलते हैं उतने कदम की आपने कितनी कैलोरी बर्न की है, ये सब चीजें आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसके अलावा अगर गेम्स की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे गेम्स भी दिए हैं, आप उन्हें जाकर यहाँ पर खेल सकते हो। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो हाइक जो है इन सब मामलों में व्हाट्सएप से बहुत 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 आगे है, व्हाट्सएप तो उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन वही है सिंपली कि व्हाट्सएप का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर एक के मोबाइल में व्हाट्सएप है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हाइक आपके अपने देश का ऑफिशियल ऐप है, आप उसे जो है यूज़ करें, और इतने अच्छे फीचर वो तो आपको कोई भी ऐप नहीं दे सकता, कि मतलब एक ऐसा ऐप जो कि आपको स्टिकर्स भी दे रहा है, हाइक रन भी दे रहा है, आप वहां से जाके न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, आप वहां से जाके लाइव मैच देख सकते हैं, अपने फोटो को पोस्ट कर सकते हैं, और वो भी मैजिकल फंस के साथ, यानी अलग अलग थीम्स के साथ खुद की थीम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको जिसकी टेंशन होती है कि कोई आपका चैट पढ़ ना ले, तो ये तो इसने सिंपली आपको हिडन मोड भी दे दिया, आप चाहे तो यहाँ से अपनी प्राइवेट चैट को हाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो हाइक जो है उसने व्हाट्सएप को तो अगर इन फीचर्स की बात करें तो बहुत पहले हरा दिया था, लेकिन आज अपने वैलेट को लॉन्च करके उसने व्हाट्सएप को पूरी तरीके से हरा दिया है। सो दोस्तों यही एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैं आपको बहुत दिनों से देना चाहता था, बहुत दिनों से नहीं कह सकते, एक दिन पहले से ही, क्योंकि एक दिन पहले इसका अपडेट आया है, और लगभग आपको जो हाइक वैलेट है वो अभी आपको 25 तारीख यानी जो आने वाला संडे है यानी 2 दिन बाद, तब आपको प्ले स्टोर पर मिलना शुरू हो जाएगा, तब से वो आप अपडेट कर सकते हैं और हाइक वैलेट को यूज़ कर सकते हैं। लगभग यही ऑफिशियल न्यूज़ अभी आ रही है, सो 2 दिन का और वेट, उसके बाद हम जो है वैलेट यूज़ करेंगे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सही में हाइक ने व्हाट्सएप को हरा दिया, क्या आपको सही ऐसा लगता है, और आपका कौन सा फेवरेट मैसेजिंग ऐप है, हाइक या व्हाट्सएप, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि एक मैं वोटिंग करवा सकूं कि हाँ कौन सा ज़्यादा अच्छा ऐप है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई शर्म नहीं कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारा इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा आगे और बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें, और पहले से अगर कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।